अरे आईडी ना पीछे से धक्का तो मत दो यार भैया। अरे यार आवाज आ रही पीयूष, ये इधर देखिए। और हमारे साथ युवा साथी बड़ों के आशीर्वाद से सामान्य साथ ही साथ भावना को जानता हूँ कि आने वाले समय में कांग्रेस का आइडिया कैसे घर घर पूरी पार्टी को सामूहिक नेतृत्व के साथ हम लेके जाए और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा हो, इस भावना की चुनौती हमारे सामने है, मैं एहसास करता हूँ। कांग्रेस का आईडी ऐसा कर ले जिसमें 3,000 रुपये लाडली बहना, 2,700 रुपये गेहूँ के दाम, 3,3100 रुपये धान के दाम, 2,00,000 नौकरियाँ, ये केंद्र भारतीय जनता पार्टी ने जो बनाया उसको वो पूर्ण करे, इसके लिए सकारात्मक विपक्ष की भूमिका कांग्रेस बताऊं निभाए। इन सब भावनाओं के साथ मैं एक बार फिर सबको धन्यवाद। उमंग सिंगार को नेता प्रतिपक्ष बनाया, किस तरह से ट्रेनिंग रहेगी आपकी? भैया उमंग सिंगार युवा साथी है, मेरे दोस्त है, मेरे परिवार के साथी है, जो भरोसा विधायकों ने, जो भरोसा नेतृत्व में, जो भरोसा मध्य प्रदेश के परिसरों ने हम दोनों में जताया, हम सामूहिक रूप से मैंने कहा ना सामूहिक नेतृत्व के साथ कांग्रेस पार्टी इस 5 साल में सकारात्मक विजय। 2024 का चुनाव है, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का, स्वाभाविक है कि अभी चुनाव हुए कांग्रेस पार्टी की, आने वाले समय में कांग्रेस के विचार को हम घर घर तक, जन जन तक और मध्य प्रदेश के मन में लेके कैसे विजय जिला। और आ चुका है कि अब युवाओं के हाल का बात हो रहा है, कांग्रेस की ये परिवर्तन अब पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। 100% नेतृत्व की जो भावना है वो से दिखी है, मतलब कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठों का सम्मान, उनका आशीर्वाद के साथ युवाओं की भागीदारी कैसे बढ़े एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये समय की मांग है और इस समय की मांग को पूरा करने का दायित्व हम सबका। ओ भैया रुक जा, अपने नेता का इंटरव्यू निकालो यार, मध्य प्रदेश में खास तौर पर कमलनाथ जी हमारे नेता है, धन्य हाथ ले में ही कांग्रेस पार्टी आने वाले दौर में वो लोकसभा हो या आने वाली विधानसभा हो, सारे वरिष्ठ जनों के दोस्तों कमलनाथ जी किसी भी सिंह और सामूहिक नेतृत्व आता है उनके सबके आशीर्वाद और मार्गदर्शन में ही कांग्रेस चलती है। ये जो आपका अध्यक्ष बनाया है गुटबाजी जो अभी का अंत हो गया है, हाथ नीचे सन्नी गुट किसी प्रकार की कोई गुटबाजी, सामूहिक नेतृत्व जब हम बात करते हैं तो गुटबाजी मेरा मेरा काश का भाव ही कांग्रेस पार्टी में समाप्त हो जाता है। आप जो अध्यक्ष बना के जो फैसला किया है पार्टी ने, क्या ये विधानसभा चुनाव से पहले कर लेना चाहिए था? समय पे आपको बुला के कौन था ये मतलबी?